फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। और आप स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ पे संगीता देखो सुबह सुबह मचा रही है हल्ला। आज आ रखी है मेरी माँ घर में और माँ बैठी हुई, माँ ने नाश्ता नहीं किया और ये यहाँ पे नाश्ता कर रही बैठ के और माँ को भी नहीं पूछ रही, बेशरम। लाओ मम्मी के ना नाश्ता। मैं माँ रखी है, माँ कल आ गई थी शाम को और माँ ने प्याज की पौध भी तोड़ दिया ना, माँ तोड़ दी, उखाड़ दी, जो ही लगा नहीं पाई। लगी थी शाम के समय पे और माँ ने अपने लिए प्याज की पौध भी तोड़ दिया, मतलब कई मतलब उखाड़ दिया, कई दिन से लगी थी लाने के लिए, हमें टाइम नहीं लगा। और ये आज का नाश्ता नानी के लिए, कन्नू नाश्ता बनाने में लगी है। सब्जी तो मैं बना के चली गई थी, ये आलू गोभी मिक्स सब्जी, इस पर ढक्कन लगा दो यार। और कन्नू बना रही है नानी के लिए नाश्ता और नानी को दे देगी। संगीता आज बहुत खुश हो रही है, संगीता की दुकान की आज दीवार टूट गई। जाओ माँ काम करवाने दुकान में, रुपए लेके जाओ लटका के। कतरा खुश हुई रुपये मिली। अरे आज सुबह मैं रात में, और कन्नू ने माँ के लिए भी बना दिया नाश्ता, कन्नू ने मम्मी को दे दिया। अरे कुछ नहीं करती है। हाँ मैं तो कुछ भी नहीं करती, मेरी बेटियाँ बड़ी बड़ी हो गई अब। और संगीता कितनी खुश हो रखी, आज संगीता को बहुत सारे कल रात को मिल गए थे। कल संगीता को जो है उसको काफ़ी रुपये मिल रखे हैं, वो बहुत खुश हो रखी है। और कशिश भी बोल रही है कि चाची हमें पार्टी चाहिए। और कन्नू तेरे को नहीं चाहिए, कन्नू को नहीं चाहिए पार्टी, चाहिए चाची के पैसे मिले कल। नहीं कन्नू को नहीं चाहिए पार्टी, कमाई। आज हमारा जो है, जो हमारी दुकान है उसकी दीवार भी जो है वो टूट गई है, तो आपको मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगी वो कैसे टूटी। तो फिर आप देखते रहना ब्लॉग को आगे, कैसे टूटी और हम क्या करवा रहे हैं वहाँ पे। तो कन्नू ने नानी को नाश्ता दे दिया है और मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता लेने के लिए। और कन्नू अपना भी लेके चली गई है, मतलब वो बना तो देती है पर अपने आप निकालती नहीं है। तो ये उसने बनाया था रात को नानी के लिए, मतलब पालक पनीर, अपनी क्यारी से पालक लेके आ गई थी। और कन्नू को, कस्सू को ना नहीं खाना है, ये कुछ भी नहीं खाना है। तो कन्नू कस्सू क्या बना रही अपने लिए? ये अब अपने लिए मैगी बनाएगी, इसको ये सब ना, तो इसको ये खाना है तो कुछ नहीं खाना। ये रात को बनाई थी कन्नू ने, तो बची हुई है तो मैं खुद के लिए भी निकाल दूँ थोड़ी सी, काफ़ी टेस्टी हो रही थी, अच्छी बना रखी थी, तो मैंने अपने लिए निकाल दी है सब्जी और चलते हैं नाश्ता करने। तो माँ भी चली गई है घर, जो प्याज की पौध थी माँ प्याज की पौध लेने आई थी, प्याज की पौध लेकर चली गई है घर। और मेरा जो भी अभी सारा काम पड़ा है तो मैं फटाफट जो मेरे किचन का काम पड़ा है उसे निपटा देती हूँ। और संगीता चली गई है शॉप में। तो जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो दीवार तोड़ी है तो उसमें जो काम करना है उसे करवाने के लिए चली गई है, तो वो दुकान। और संसु बोल रही मेरे को नया फ़ोन लाने के लिए, और ये आ गए भी स्कूल से। तेरी माँ को मिल रखे खूब सारे पैसे, तेरी मम्मी दिलाएगी। तो शाम का टाइम भी हो गया, हम दोनों का हो गया है शॉप में जाने का टाइम, और सभी का हो गए तैयार। और हम जा रहे हैं, चाय पी ली हमने और हम जा रहे हैं दुकान में। मैं इसे खींच के ले जा रही हूँ, मेरे को खींच के लेके जा रही है। और इसको बहुत सारे पैसे मिले, पर ये मेरे को दे नहीं रही। मेरे को लाना है नया फ़ोन क्योंकि मेरे इसका फूट गया कैमरा। और संगीता पहुँच गए अपनी शॉप में और अब लग जाते हैं हम अपने काम पर दोनों की दोनों। तो आज भी हमारी हालत होने वाली है ख़राब। देखिए कुछ ये हाल हो रखा है यहाँ का, ये सारी दीवार जो है यहाँ पे की तोड़ दी है। और ये संगीता आई थी तो उसने दोपहर में सारा काम करवा दिया था। तो ये देखिए, ये इसने यहाँ पे प्लस्तर जो मिस्त्री आए थे उनसे करवा दिया, तो ये सारी दीवार जो है टूट गई थी। और अब हम लग जाते हैं तो दुकान का हाल कुछ इस तरह का हो रखा है। देखो कपड़े सारे इस तरह से ढक रखे हैं, सारे के सारे जूते चप्पल यहाँ से कान से सारे हटा दिए हैं। तो अब हमारा क्या होगा, कब तक हम काम निपटाते हैं देखते हैं। तो दीवार का भी मैं आपको बताऊँगी क्योंकि वो तोड़ दी थी। तो ये देखिए कुछ ये हालत हो गई है तुम्हारी दुकान की, ये सारा सामान यहाँ पे फैला पड़ा है। देखिए ये सारा इस तरह से फैला रखा है, धूल भी लगी है और ये डब्बे डुब्बे सारे इस तरह से पड़े हुए हैं। और ये वाली शॉप में भी अभी फिर दोबारा इसका वही गंदगी मच गई है। मैंने लाइट नहीं जलाई है, लाइट जलाने तक जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं है क्योंकि सामान सारा फैला हुआ है। तो यहाँ का भी देखिए कुछ इस तरह का। तो अब हम लगते हैं दोनों के दोनों, करते हैं फटाफट से काम। और संगीता ने अभी सिर्फ ये कांच लगाया, कांच की सफाई करी और ये लगे। और अंदर वाली दुकान है जो उसमें लगी है अलमारियाँ, और ये भी पड़ा है ऐसी काम।
अभी हमारा काम चल ही रहा है। दोनों ना सुबह आगे थे अपनी दुकान में 10 बजे, 10 बजे से अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया, सारा काम यहीं पे फैला हुआ है, सारा का सारा लगे हुए हैं अपने काम पे। और दोपहर की 2:30 भी बज रही है, हम अभी घर नहीं गए, अभी लगे हुए हैं। अभी हमारा कुछ भी काम नहीं समेटा हमने, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सब फैल रखा है। और संगीता का सुबह से शाम हो गया, अभी तक संगीता ने दुकान साफ नहीं करी, अभी भी ये सब समेटने के लिए है। और जो ये हमने दीवार तोड़ी थी तो यहाँ पे अब हमने जो चौथी वाली मतलब चौथे नंबर की दुकान थी वो भी ले ली है, और अब वहाँ पे पूजा और स्टेशनरी का सामान आ जाएगा, जो पूजा पाठ का सारा सामान आ जाएगा। तो फिलहाल अभी इस तरह से कुछ अलमारियाँ लग गई है, लेकिन अभी कांच के जो भी रैक लगने हैं यहाँ पे वो अभी बाकी है। तो अभी थोड़ा बहुत सेट हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे दीवार तोड़ के हमने ये वाली दुकान भी ले ली है, तो इसलिए हमें ये दीवार पूरी तोड़नी पड़ी थी। तो आज थोड़ा बहुत सेट हो गया है, और ये इसने कुछ इसकी वाली दीवार, इसकी वाली दुकान अभी सेट करने के लिए है। और मैंने तो कर सारी मेरी है। हाँ ले ले, तू ले ले सारे। और मैंने जो है मैंने ये वाली दुकान मैंने सेट कर दी, तो ये भी अभी एक दो दिन में खुलने चालू हो जाएगी। तो इस पर क्योंकि कांच लगा है तो यहाँ पे ये मैंने पूरी सेट कर दी है, इस तरह से सारी लगा दी है। जो जूते हैं ये भी सारी लग गई है, जूते जाते जो भी स्कूल के बच्चों के जूते होते हैं सारे। और अभी आधा सामान जो है वो पैक है। सुबह से शाम हो गई, शाम के अभी रात की 7:30 हो रही है, और हालत कुछ ऐसी हो रखी है हम दोनों की, मतलब पूरी धूल मिट्टी, हाथ के भी देखो इतने गंदे हो रखे हैं, हाथ पूरे काले काले हो रखे हैं, और ऐसे ही काम कर रहे हैं हम आज यहाँ पे। तो दुकान का काम थोड़ा ये है कि थकाने वाला भी काफ़ी होता है। ये हालत है, ये संगीता यहाँ पे समेट रही है, अभी ये हाल हो रखा है दुकान का, क्योंकि जब कोई नई दुकान मतलब ये काम चल रहा था तो यहाँ पे पूरी तोड़ फोड़ हुई, तो उस कारण ये सारा सामान फैल गया। ये वाली दुकान तो थोड़ी बहुत सेट हो गई है हमारी, एक दो दिन में पूरी दुकान सेट हो जाएगी, तो बहुत अच्छी लगेगी। फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो ये काम हो नहीं पाएगा, अभी तो हम दोनों लगे ही रहेंगे। हो सकता है हमें रात के मतलब 8-9 बजे तक जा पाएंगे ना संगीता घर, हम मतलब अभी हमें एक दो दिन और काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान समेटते समेटते संगीता और मेरे को सुबह से हो गई है शाम, और हम लोग जो है अभी इस टाइम पे सर्दियों के जो होते हैं वुलन के कपड़े उन्हें भी कर देंगे अंदर, मतलब जो है कि अब सर्दियां जाने वाली हैं तो उन्हें अंदर कर देंगे, और जो गर्मियों के होते हैं तो उन्हें निकाल देंगे बाहर। और जो हमारे नया गर्मियों का सामान माल आया था उसे भी हम जो है अगले दिन खोलेंगे, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाएगा हमें। तो हम दोनों यहाँ पर जो हमारे फुटवेयर में भी है तो हम सैंडलें भी निकाल देंगे, क्योंकि सर्दियों में सैंडल जो है लोग कम लेते हैं और जूते जो है वो ज़्यादा पहनते हैं, तो इसलिए सैंडलें भी अब लगनी चालू हो जाएंगी। तो हम दोनों बहनें तो हमारी जो चौथी दुकान थी उसके कारण भी हमारा काम जो है काफ़ी बढ़ गया था। तो देखिए काफ़ी देर हो गई है हम लोगों को, रात की 8 बज गई है, तो अब हम दोनों तो इसी तरह से लगी रहेंगी, और अभी हमें जो करीब यहाँ पर 1-2 दिन और लग जाएगा। तो बस करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलूँगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।